फ्रेंड्स, हियर इज अ क्वेश्चन. अ बैग कंटेन्स 20 बॉल्स, आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर व्हाइट. इफ वन बॉल इज रेड ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज वाई. एक बैग में 20 बॉल्स है और आउट ऑफ विच एक्स बॉल्स आर व्हाइट और एक्स बॉल्स व्हाइट है, तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज इक्वल टू 20 एंड द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स दैट इज इक्वल टू एक्स. इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल इज वाई. अगर हमने इसमें से एक बॉल उठाया, 20 बॉल में से एक बॉल उठाया, तो व्हाइट बॉल आने के जो चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो कितनी दी है? वाई दी है. नाउ प्लेस द बॉल, जो हमने बॉल निकाला, जो बॉल उठाया, उसको वापस रख दो और एड 10 मोर व्हाइट बॉल्स इन द बैग, और 10 और बॉल्स बैग में रख दो. नाउ इफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द व्हाइट बॉल इज 2y. और अब अगर हमने एक बॉल उस बैग में से बाहर निकाला, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल आने के चांसेस 2y हो जाएंगे. तो हमें फाइंड द एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इनिशियली नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने थे वो देखना है. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 20 है, सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आर 20. आउट ऑफ दैट वन बॉल इज पिक्ड अप, ड्रॉन आउट, हमने एक बॉल निकाला, तो एक्स बॉल व्हाइट है, तो एक्स बॉल व्हाइट है, तो व्हाइट बॉल्स आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, वाई दी गई है. तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल दैट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, सो इट विल बी एक्स अपॉन 20. लेकिन व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी हमको कितनी दी है, वाई दी है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन 20. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर वन. अब दूसरे कंडीशन में हमें दिया गया है कि हमने इस बॉल को जो पहले केस में निकाला था वो वापस रख दिया और 10 ज्यादा व्हाइट बॉल्स ऐड कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो जाएंगे, 20 प्लस 10 दैट इज 30, क्योंकि 10 और व्हाइट बॉल्स उसमें ऐड कर दिए. अब नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हो जाएंगे, पहले एक्स बॉल थे उसमें 10 व्हाइट बॉल ऐड कर दिए, तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स विल बी एक्स प्लस 10 एंड देयरफॉर द न्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल दैट विल बी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, सो इट विल बी एक्स प्लस 10 अपॉन 30. लेकिन ये नई प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी दी है, 2y दी है, सो 2y दैट इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 30. अब ये 2 हम इस साइड में ले जाएंगे तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 2, डिनोमिनेटर में जाएगा तो 30 इंटू 2 दैट विल बी 60, 30 2 60. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलता है, इक्वेशन 1 और 2 से मिलता है कि y इज इक्वल टू x अपॉन 20 एंड y इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 60, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 x अपॉन 20 दैट इज इक्वल टू x प्लस 10 अपॉन 60. So this will be 21 जा 20, 23 जा 60. Take 3 to this side. 3 को इस साइड में लेके आओगे तो 3x is equal to x plus 10. And take x to this side. So it will be 3x minus x. That is 2x is equal to 10. And 21 जा 2, 25 जा 10. So x is equal to 5. So here we have got the value of x as 5. दोस्तों प्रश्न है, प्रूव दैट साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा. तो हम LHS साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू ब्रैकेट 1 प्लस टेन थीटा
प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट वन प्लस कॉट थीटा एंड देयर फॉर हियर वी विल पुट टेन थीटा एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा एज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा दिस इज वन सो इट विल बी साइन थीटा इंटू ब्रैकेट वन प्लस टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट वन प्लस कॉट थीटा की जगह लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्लोज द ब्रैकेट सो विच इज इक्वल टू हियर साइन थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा विल बी द एलसीएम तो मल्टीप्लाई वन बाय कॉस थीटा सो इट विल बी कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस अपॉन कॉस थीटा क्लोज द ब्रैकेट प्लस हियर कॉस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा विल बी द एलसीएम सो साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा से तो हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्लोज द ब्रैकेट सो विच इज इक्वल टू हियर वी विल सॉल्व दिस दैट दिस इज अब इन दो फ्रैक्शनल नंबर्स को हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा विल बी द एलसीएम सो एलसीएम विल बी साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इधर हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस प्लस यहाँ पर हम कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा क्लोज द ब्रैकेट अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे वी विल सॉल्व दिस फर्दर सो वी विल गेट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज अ कॉमन फैक्टर सो इट विल बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दैट इज अ कॉमन फैक्टर इनसाइड द ब्रैकेट इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्लोज द ब्रैकेट अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा नाउ हियर साइन थीटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज वन सो वी विल गेट इट एज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड सो दिस वी कैन सॉल्व फर्दर एज सो सेपरेट द डिनोमिनेटर सो इट विल बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा दोनों डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए और यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल होगा कैस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और इसलिए वन अपॉन कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा एंड देयरफॉर हेंस इट इज प्रूव्ड विच इज इक्वल टू आर एच एस फ्रेंड्स आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस वीडियो इफ यस प्लीज लाइक द वीडियो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो